10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। लंबे समय का बच्चों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। एक टॉपर हमारे साथ में मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बबली मीना है। कौन सी क्लास में क्या परसेंट बनाया? मैं 12th क्लास में ही, ह्यूमैनिटीज मेरा सब्जेक्ट है और स्टेट में मेरी 9th मैरिड है विद 95.6%। किस तरह मेहनत की इस मुकाम को हासिल करने के लिए? जी सर, मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ती रही, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उसको आके उसी दिन रिवीजन किया। और एनसीईआरटी, मेरा ये कहना है एनसीईआरटी की रीडिंग ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के, उसमें डायरेक्ट 1 मार्क्स कटने का चांसेस रहता है और अधिकतर बच्चों के उसमें कटते हैं। यदि आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो उससे आपसे कहीं से भी कोई भी एक्सरसाइज पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली आपका 1 भी मार्क्स नहीं कट सकता एक्सरसाइज में। तो मेरा ये कहना है एनसीईआरटी रीडिंग बहुत जरूरी है और मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देना चाहूंगी और मेरे सारे टीचर्स को और ऑब्वियसली फैमिली को तो देना ही चाहूंगी और मेरे रिलेटिव्स। और मेरे दो भैया दीदी थे जो हमेशा मुझे ये याद दिलाते थे कि तुम मेरिट होल्डर हो, इसलिए हमेशा वो दो व्यक्ति थे जो मुझे हमेशा याद दिलाते थे। और यदि मैं कहीं कभी डाइवर्ट हो जाती स्टडी से तो मुझे याद दिलाते थे कि पढ़ाई पे वापस आ जाओ, तुम मेरिट होल्डर। टाइम पढ़ाई में लगाया? जी सर, पढ़ाई में सर नॉर्मली मैं मॉर्निंग जो रहता है उस समय ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग का माइंड जो रहता है बहुत फ्रेश रहता है, तो उस समय हम जो भी याद करते हैं या जो भी पढ़ते हैं तो उससे सही रहता है। और मैं एक हॉस्टलर हूँ तो ऑब्वियसली मेरा सारा समय पढ़ाई में ही रहता था अधिकतर, क्योंकि यहाँ कोई काम तो है नहीं। अपन बिल्कुल दूरी बना ली थी। नहीं सर, खेलने के लिए भी हमारे यहाँ बहुत प्रेरित करते हैं हमारे प्रिंसिपल सर, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ ग्राउंड भी है फुटबॉल, और मेरे जूनियर्स और सीनियर्स हम सब मिलकर यहाँ पर खेला भी करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स के लिए किस तरह से टाइम निकालती थी और अपने लिए किस तरह टाइम निकालती थी? आपने तो बताया ज्यादातर समय आप पढ़ाई में गुजार देती थी। जी सर, मैं फैमिली के साथ भी ऑब्वियसली मैं टाइम निकालती थी। 12th में रहते हुए मैं फ्रेंड्स के साथ भी टाइम निकालती थी और फैमिली को भी टाइम दिया है। जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो उसको भी मैंने अटेंड ही किया है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में है तो सिर्फ ये काम हमें नहीं करना, अभी हमें पढ़ना है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और ऑब्वियसली एंजॉय के टाइम पे एंजॉय, उस समय पढ़ाई का नाम नहीं लेना, नहीं अभी पढ़ाई से दूर, अभी खेलना है तो खेलना। सोशल मीडिया? जी सर, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे मैं दो चीज पे एक्टिव हूँ, व्हाट्सएप क्योंकि वो मेरा स्कूल ग्रुप से मैं ज्वाइन हूँ, और कोचिंग के लिए टेलीग्राम। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह ये सब मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता है। अभी कौन सा मुकाम आपने हासिल किया है और किस तरह से आपकी रैंक बनी वो एक बार और बता दीजिए। जी सर, मैं 12th क्लास ह्यूमैनिटीज से हूँ, मेरी स्टेट में 9th रैंक है, 95.6 मेरे परसेंट बने। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे सफल नहीं हो पाए किसी भी कारण से? बहुत कुछ कारण अलग अलग भी हो सकते हैं बच्चों के। मैं ये कहना चाहूंगी आप पे ये भरोसा रखिए कि आपने आपका 100% दिया। यदि आप सेटिस्फाई हैं, हाँ मैंने मेरा 100% दिया, और फिर भी आप सफल नहीं हो पाए तो उससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, आजकल नॉलेज मैटर करता है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखा जाए तो उसमें नॉलेज देखा जाता है ना कि, और आजकल ऑब्वियसली कॉलेजेस के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो परसेंटेज तो मैटर करते ही नहीं। बिल्कुल, ये